मास्क लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा मास्क लगा दिया मैंने तो, अभी देखते हैं। खिलौना मिल गया बड़ा वाला, इसको बड़ा ही चाहिए था ना, इसके देखती हूँ कौन सा, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का वेदर इतना ठंडा, इतना सुहाना है ना आज का मौसम, बहुत ही अच्छा। तो आज मैं जा रही हूँ गुवाहाटी, हमारा बैसाख है मतलब बिहू, तो उसके लिए हम लोग घर जाएंगे। तो घर से पहले हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, तो गुवाहाटी में मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करूंगी, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो कहाँ कहाँ जाना होता है गुवाहाटी में, फैंसी बाज़ार तो मैं जाऊंगी ही, तो वहाँ का मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, कितना भीड़ है, लोग कैसे मतलब ख़रीद रहे हैं। सो गाइस आइए, आप लोग देखते जाइए। आइलैंड वाला मंदिर भी है, हम लोग इधर ही आसपास में रहते थे गुवाहाटी में पहले, जब पढ़ाई करता था हम लोग, हम लोग अपने कॉलेज टाइम में रहते थे, यही हम मिले थे माओजी और मैं ना, माँ पाई बोट हो ना, पाई बोट ये तो। फ्रेंड्स हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए, अभी हम लोग जाते हैं फैंसी बाजार में, तो चलो मेरे साथ चलो। मैंने तो बोला था पार्किंग का इतना प्रॉब्लम है ना, अभी तक ठीक से पार्किंग का जगह नहीं मिला। अरे पापा गाइस, फिर से कोरोना आ गया है, मास्क लगाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, दोबारा मास्क लगा दिया मैंने तो, अभी देखती हूँ।
सुबह तो मौसम अच्छा ही था। हाँ मैं क्रॉस कर लो पहले। अभी अभी तंग करने वाला जल्दी मैं अभी चलते हैं बैग के दुकान में, वहाँ पे बैग्स भी है, सैंडल्स भी है, सब एक साथ है तो वहाँ पे सब चीज़ एक साथ मिल जाएगा ना, वहीं चलते हैं। कौन सी जगह है ये? तो ये भी रखे एक साथ। अभी यहाँ पे आए हैं हम, यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा हवा है। ले ले यही है, जैसी भी है। कितना सुंदर है ना, लड्डू लड्डू का खिलौना मिल गया बड़ा वाला, इसको बड़ा ही चाहिए था ना, उसके देखती हूँ। कौन सा, ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए और अभी लड्डू भी पसंद कर रहे हैं, बुला रहा है, टोकन लेके अपना सामान लेके चलो चलो चल। हेलो लड्डू का भी पैन चेंज कर रहा है अभी लड्डू को। ऑटो ऑटो लड्डू को यहाँ पे शिप देखना है, अभी हम लोग आए हैं। क्या बोलते थे जगह को, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, याद कर लेंगे। जेसीबी आ रहा है अभी लड्डू को, जेसीबी देखना है। तो अभी हम लोग हैं भोरोलू के पार्क में, भोरोलू पार्क में आ गए। और ये जेसीबी क्या क्या दिख रहा है ना, इसलिए लड्डू हमारा इवान ये देखने के लिए आ गया, इसका फेवरेट। सुनो जेसीबी देखो इतना काम कर रहा है। और यहीं से वो जो आइलैंड वाला एक मंदिर है ना उमानंदो, वो भी दिखाई देता है। यहाँ से पार करके जाते हैं, वहाँ पे रोप वे बनाया है उस तरफ, लेकिन अभी हम लोग गए नहीं। रोप वे के थ्रू उधर उमानंदो मंदिर में जा सकते हैं।
दीवान के वजह से हम लोग पूरा इस पार्क में उतर गए, क्योंकि यहाँ पे उसको जेसीबी, यहाँ पे मतलब साइड में ना काम चल रहा है ना, तो जेसीबी देखना है उसको, क्रेन क्या क्या है वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे उतर गए। और वो लोग वो इवान पापा के साथ जेसीबी देखने में बिजी है, और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर थोड़ा सा ऐसे नज़ारा ले रहे हैं, थोड़ा पार्क में घूम रहे हैं और अमूल कुल पी रहे हैं। नहीं वो काम चल रहा है ना, इसलिए नहीं तो पूरा पानी पूरा ठंडा, इसलिए तो यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, ये दूर चला गया वो। सो गाइस थोड़ा बहुत हम लोग ने घूम लिया, अभी अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे बर्मा मेरे मम्मी के घर, क्योंकि बैसाख है, बिहू हमारा यहाँ का फेस्टिवल, तो बिहू के लिए मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। तो हाँ हाँ चल, तो अभी काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो अब हम निकलते हैं।